मद्रास और मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने हाल ही में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उनका कहना था, मुझे कई करप्ट जज मिले, इनके बारे में मैंने भारत के चीफ जस्टिस को सबूतों के साथ बताया। दुर्भाग्य से उन करप्ट जजों की दोस्ती ऊपर बैठे लोगों से थी, जिसके चलते मेरा ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट कर दिया गया और ये असली वजह थी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब पूर्व चीफ जस्टिस से सवाल किया गया कि चुनाव आयोग पर कमेंट करने की वजह से क्या उनका ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट कर दिया गया था, तो इस पर उनका कहना था, ऐसा नहीं है, इसकी वजह ज्यादा गंभीर और गहरी है जो संस्था को अभी भी नुकसान पहुंचा रही है। बता दें, कोरोना काल में मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों में कोविड के मापदंडों का दुरुपयोग होने और उसे रोक पाने में चुनाव आयोग की विफलता पर कड़ा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आप एकमात्र संस्था है जो आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट के कहने के बावजूद रैलियां निकालने वाली राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग पर हत्या का आरोप लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ज्यादा बोलने वाले जज अच्छे होते हैं। मुखर होना और ना बोलना अलग बात है, क्योंकि जब वकील को पता चल जाता है कि जज किस तरह से सोच रहा है तो वो मामले में बेहतर ढंग से देख सकता है। जजों को राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे में पूर्व चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी के इस बयान पर आगे क्या बवाल मचता है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।